जितनी मेहनत आप करते हो कम से कम उतनी मेहनत तो नेताओं को करनी चाहिए कि नहीं? आप ईमानदारी से कमाते हो तो क्या आप ये आशा उम्मीद नहीं रख सकते कि आपकी सरकार भी ईमानदार होगी? बीजेपी की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए कर्नाटका से छीने हैं, लूटे हैं। लूट की झूठ की सरकार है। आप सोचिए कि इन 1.5 लाख करोड़ रुपए में से आपके लिए कितना काम हो सकता था। मैं आपको बताती हूं, 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे, 100 कर्नाटका में, 2250 किलोमीटर की 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी, ईएसआई के 187 अस्पताल बन सकते थे, आपके बच्चों के लिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे। 30,000 कोई छोटा नंबर नहीं है, छोटा आंकड़ा नहीं है। इन्होंने जितना लूटा है उससे 30,000 क्लासरूम बन सकते थे। हर क्लासरूम में 10, 15, 20 बच्चे। आप सोच सकते हैं कि कितनी शिक्षा छीनी है बच्चों से इन्होंने। 750 किलोमीटर लंबी मेट्रो बन सकती थी इन पैसों से। 30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते थे इन पैसों से। 30 लाख कर्नाटका के गरीब जनता को घर मिल सकते थे, उनका फायदा हो सकता था। लेकिन भ्रष्टाचार किया, लूटा, टैक्स लगाया किसानों पर भी, जीएसटी खाद पे, ट्रैक्टर पे, पेस्टिसाइड पे, डीजल के दाम बढ़ा दिए, खाद का मैंने कहा आपको कम कर दिया जो देते हैं, हर स्तर पर लूटा है और धोखा दिया है। जहां तक एससी एसटी ओबीसी की बात है, उन्होंने आपको बताया कि आरक्षण बढ़ाएंगे, यहां पे कर्नाटका में बोला बढ़ाएंगे। केंद्र में इनकी सरकार है, जब सरकार को का समय आया कि आरक्षण को बढ़ाने का काम करना है, संविधान में डालना है, तो 14 मार्च को मोदी जी की सरकार ने क्या कहा पार्लियामेंट में? कहा कि ये नहीं हो सकता है। तो यहां आपको कहा कि आरक्षण बढ़ाया जाएगा, वहां 4 साल के लिए कुछ नहीं किया, और उसके बाद जब समय आया तो कह दिया कि नहीं हो सकता। अब आप कांग्रेस की सरकार को देखिए, नाग मोहनदास कमेटी बनाई थी कांग्रेस ने, उस कमेटी ने कहा कि एससी के लिए 15 से 17% तक बढ़ाना है आरक्षण। उसने कहा कि एसटी के लिए 3% से 7% बढ़ाना है। कब कहा? 4 साल पहले। 4 साल पहले कहा। 4 साल के लिए बीजेपी की यहां पे सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है, फिर से वही बातें शुरू। तो इनके नेता, इनकी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव के समय आपके सामने आके अच्छे अच्छे बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनको शुरू से मालूम है कि वो वादे कभी पूरे नहीं करना चाहते, कभी करेंगे ही नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस है। राजस्थान में हमारी सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए। छत्तीसगढ़ में 18 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। राजस्थान में पुरानी पेंशन की स्कीम का वादा था, उसको लागू किया, छत्तीसगढ़ में लागू कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में वादा किया, वहां पे भी शुरू कर रहे हैं। जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हमने जो वादे किए उनको पूरे किए, उनको पूरे किया, और जिनको पूरा नहीं कर पा रहे थे उनका पूरा प्रयास किया ताकि आगे जाकर हम उन्हें पूरा कर पाएंगे। यहां पे जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको याद होगा कि अन्न भाग्य का योजना होता था, क्षीर भाग्य जिससे दूध मिलता था वो भी योजना कांग्रेस की योजना थी, पशु भाग्य कांग्रेस की योजना थी, कृषि भाग्य कांग्रेस की योजना थी, आरोग्य भाग्य था आपके स्वास्थ्य के लिए, विद्याश्री थी
आपकी शिक्षा के लिए, इंदिरा के केंद्र कैंटीन थे खाने के लिए, और ऐसी तमाम योजनाएं थीं जिससे आपकी भलाई हुई। ये इसलिए हो पाया क्योंकि कांग्रेस के जो नेता थे उनकी नीयत लूटने की नहीं थी, उनकी नीयत आपके लिए काम करने की थी। आज आप यहां बैठे हुए मेरी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आप इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस की सरकारों ने आपके लिए काम किया। आज अगर आप यहां बैठ के धूप में मेरा इंतजार करते हैं तो आप इसलिए भी करते हैं क्योंकि आपने इंदिरा जी का काम देखा, राजीव जी का काम देखा, सोनिया जी का काम देखा। आपको कुछ विश्वास है, कुछ भरोसा है कि हाँ ये लोग कुछ करेंगे हमारे लिए। और ये भरोसा, ये विश्वास ऐसे ही नहीं आता। ये भरोसा और विश्वास इसलिए आता है क्योंकि आपको काम करके दिखाया है, आपके लिए समर्पित होकर दिखाया है। अभी मैं जब यहां आई तो मैं अंजलि जी से पूछ रही थी कैसा चल रहा है चुनाव। अंजलि जी ने मुझे कहा हम जीतेंगे, बहुत कॉन्फिडेंस से कहा। तो कभी कभी जब मैं पूछती हूं तो हमारे उम्मीदवार कहते हैं कि देखेंगे दीदी मुश्किल है ये, लेकिन इन्होंने तो बहुत कॉन्फिडेंस से कहा। तो मैंने कहा क्यों कह रही हो कि इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, और जवाब पता है क्या दिया मुझे, कहा कि क्योंकि मैं जनता के बीच में रही हूं दीदी, क्योंकि मैंने जनता के लिए काम किया है, इसीलिए मैं जानती हूं कि जनता मेरे साथ रहेगी। और यही कांग्रेस की बात है, हम आपके लिए काम करते हैं। हमने इस चुनाव में कुछ गारंटीज की बात की है, सुना है आपने, किसने सुना है? युवा निधि है जो हम स्टार्ट करना चाहते हैं। ये जो 2.5 लाख जॉब खाली पड़े हैं, सबसे पहले तो हम इनको भरेंगे, ये हमारी गारंटी है। जो ग्रेजुएट हैं लेकिन अभी नौकरी नहीं मिल पाई है उनको, उन्हें सरकार बेरोजगारी का भत्ता 3,000 रुपए हर महीने देगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।